हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग। सो गाइस, हम लोग हैं YGF गोट फार्म पे, यतीन्स एग्रो इन गोट फार्म पे। हमारे साथ में है इब्राहिम भाई, इनका जो एक खुद का मतलब यहाँ पे बकरों की पलाई वगैरह पे इन्होंने बकरे रखे हुए हैं माशाल्लाह। इनका जो सेटअप का नाम है वो है अल करम गोट्स एंड एग्रो के नाम से है, और माशाल्लाह काफ़ी सालों से ये लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं और हर साल माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे इनके पास से लोगों तक पहुँचते हैं कुर्बानी के लिए। तो इस साल भी कुछ बकरे हैं इनके पास जो इनको निकालने हैं सेल के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी सीज़न शुरुआत हो ही चुका है, ठीक है। सो काफ़ी सारे वीडियोस बनेंगे इंशाल्लाह और आपको काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटी के बकरे हम लोग दिखाएंगे। ये बकरे अभी बाहर निकालेंगे, उसके बाद आपको शो करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, मेल या DM करके आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इब्राहिम भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर होगा, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है भाई? अल्लाह का शुक्र भाई, क्या बात है माशाल्लाह। इब्राहिम भाई, आज फर्स्ट टाइम आपका शूट हमारे चैनल पे हो रहा है। गलत बोल रहे हो भाई, इसके पहले हुआ है? स्टार्ट कहाँ से हुआ था? लेकिन मेरे चैनल पे नहीं हुआ था ना। वो है ना MSQ पे यार वीडियो। है लगभग थोड़ी थोड़ी झलक है, ठीक है। तो सेकंड टाइम जी, है ना? सेकंड सही टाइम। तो भाई आज हम लोग जो शूट कर रहे हैं ये कुर्बानी के जो बकरे हैं वो दिखाएंगे लोगों को इंशाल्लाह। अपने बकरे यहाँ पे पलाई पे है या फिर पलाई पे है भाई? यहाँ पे पलाई पर है, ठीक है। कितने बकरे हैं टोटल अभी इस वीडियो में? अपन ये 31 बकरे निकाले हैं बाहर। ओके, टोटल अपने यहाँ पे 180 करीब बकरे हैं। ओके जी, फॉर सेल। फॉर सेल जी, ठीक है। सो इन बकरों को अंदर ही दिखाएंगे कि बाहर निकालेंगे? नहीं, मैं इनको बाहर निकालता हूँ। बाहर निकालते हैं और फिर लोगों तक अपन बताएंगे, क्योंकि बकरों के ऊपर जो है ना नंबर वगैरह भी बराबर प्रिंट है जी, तो बकरों का स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी होगी लोगों को इंशाल्लाह। बिल्कुल भाई, ये सारे बकरे वैक्सीनेटेड है? ये सारे बकरे वैक्सीनेटेड है और हाँ, कुछ बकरे यहाँ पे जनवरी से है, कुछ बकरे मार्च से आ चुके हैं, तो मतलब अच्छा खासा टाइम, काफी टाइम बकरों ने यहाँ पे दिया हुआ है। सेड बकरे है माशाल्लाह, ठीक है। बकरे निकलवाते हैं और फिर अपन लोगों को एक एक बकरा पकड़ के दिखाएंगे, ठीक है। सो गाइज, ये देखिए सारे बकरे माशाल्लाह, एक एक करके हम लोग आपको सारे बकरे पकड़ के दिखाएंगे, नंबर वाइज आपको बता देंगे कि कौन से नंबर है बकरों के, ठीक है। चलिए ये देखें माशाल्लाह, ये देखें सारे के सारे एक्टिव और प्लेफुल बकरे हैं, खस्सी में है माशाल्लाह, कलरफुल बकरे हैं, ठीक है। इब्राहिम भाई जी आ जाइए। तो लगभग अपन ने 25 के ऊपर ही बकरे ये लॉट के अंदर निकाले हैं, 30 बकरे हैं, है ना। और ये सबसे जो कॉमन वेट रेंज चलता है कुर्बानी में, जिसमें 55 से 60 किलो से लेके 65-70 किलो तक के ये वीडियो में हमारे पास बकरे हैं, और इसके अलावा और भी बकरे हैं, क्योंकि सारे बकरे एक वीडियो में निकाल के नहीं दिखा सकते, डिफिकल्ट हो जाता है और लोगों को समझ में भी नहीं आएगी ना चीज़ें। वो भाई कैसा है कि आप एक बार आ जाओ फार्म पे, और अगर कोई दूर से रहता है या कुछ है तो जैसे अभी हम नंबर वाइज या किसी को स्क्रीनशॉट एकदम क्लियर विजिबल है बकरे, किसी को अगर इंटरेस्ट है वो वीडियो देख के भी आ सकता है या उसमें से स्क्रीनशॉट लेके भी बेच सकता है। बेटर है ये, हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप लोग आओ, आके देखो, पसंद करो, उसके बाद सौदे करो। माशाल्लाह बकरे आने के बाद जो आप अपनी खुद की आंखों से देखते हो ना, वो बहुत अलग ही दिखते हैं बकरे, ठीक है। एक दो बकरे ऐसा पकड़ के खाली अपन दिखा देते हैं ताकि लोगों को कुछ क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाए इब्राहिम भाई, है ना। सो गाइस, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक बकरा इसमें से पकड़ के एक 10-12 बकरे खाली अंदाजे के लिए दिखाएंगे, ठीक है। आ जाओ, कोई एक जन आ जाओ, बकरे पकड़ पकड़ के दिखाओ। इब्राहिम भाई खाली आप मुझे बकरे के बारे में डिटेल थोड़ी दे देना। हाँ, कोई मसला ना, आ जाओ। आओ देखिए, ये बकरा देखिए माशाल्लाह, क्या नंबर है इसका? 27 नंबर बकरा है समीर भाई। 60 से 65 किलो वेट रहेगा अप्रोक्स इंशाल्लाह। दांत कितने होंगे इसके इब्राहिम भाई? दांत दिखा दो ना, दो या चार, दो दांत पे। दो दांत का बकरा ये तकरीबन माल समीर भाई, दो या चार दांत पे ही मिलेगा आपको। ओके, और कुछ एक बच्चे अदंत भी हो सकते हैं, बट ईद तक के दांत कर लेंगे ना जी। कोई ऐसा तो नहीं रह जाएगा कि भाई ईद में फिर आदमी लिया और नहीं, वैसे नहीं होगा, क्योंकि जो बकरे दांत करेंगे उनके दांतों में अभी से गैप आ चुका होगा ना, ठीक है। लाओ दूसरा बकरा दिखाओ, पकड़ लेना कोई, अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम लोग भी एक आध पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं।
सो गाइस एक बकरा ये देख लो, कलरफुल बकरा है ये भी, गुजरी के अंदर आएगा ना भाई जी? ये गुजरी में है, इससे दो बच्चे, एक ये जो पकड़ के खड़ा है हाँ। इसको हम लोग फुटबॉल बोलते हैं, उसके पेट में फुटबॉल बना हुआ भी है। और एक इसका भाई है, ये करीब वही 65-70 किलो के बीच में ये भी होगा समीर भाई। इसका भाई वो पीछे खड़ा है, पीछे देखा, आइए सेम एक ही माँ के बच्चे है दोनों ये। ये तो समीर भाई मैं जंगल से लिया था। अच्छा, लेकिन जोड़ी में है? हाँ, जोड़ी में है। ठीक है, इन दोनों पे नंबर नहीं है मतलब? नहीं, नंबर नहीं, ये फुटबॉल है, ये उसका भाई है। ठीक है, ये एक बच्चा पीछे समीर भाई आपके जा रहा है, ये देखो इसके कलर बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, अच्छी कमान वाला बकरा, दो दांत किया है। अच्छा, उसको पकड़ना चाचू, दिखाना वो बकरा, ये देखो ये बकरा मक्की चीना 112 नंबर बच्चा है, दो ये वाला होएगा। हाँ, 112 नंबर। हाँ। नंबर कहाँ लिखा है इसका? ये कान पे उस तरफ लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना 112। दांत कितने जरा देख तो भाई, दो दांत पे समीर भाई, मतलब मैक्सिमम दो दांत के बकरे हैं माशाल्लाह। 55 किलो के करीब वेट होगा इसका। ओके ओके, ये वाला बकरा पकड़िए, ये बकरों के कानों की लेंथ, कलर और सोजत और गुजरी का लॉट इसके अंदर मिक्स है ना भाई जी? 26 नंबर बकरा है, दांत दिखा दो, सब दो दांत है, मैक्सिमम दो दांत है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वेट होगा 65-70 किलो के, 65 किलो तो आराम से होगा इंशाल्लाह, आराम से माशाल्लाह, खूबसूरत बकरा है। और ऐसा नहीं है समीर भाई, इसमें अपन ने जो बकरे निकाले उसमें गुलाबी नहीं है, गुलाबी बच्चे भी सारे, ज्यादातर तो मैं बोलूंगा इसके अंदर अच्छे क्वालिटी के गुलाबी बच्चे हैं, व्हाइट आईज और व्हाइट आईज में है, लंबे कानों में है जी। और भाई देखिए पूरा गुलाबी है ये वाला, ये देखो वो बच्चा व्हाइट आईज में है, लंबे 14 नंबर बच्चा है, देखो माशाल्लाह। इसका अप्रोक्स वेट होगा, पहले थोड़ा सा आगे ले लो, ये इसका अप्रोक्स वेट वही 65 किलो 68-67 केजी के करीब होगा। सही है, और दो दांत पे ही होगा, ये भी दो दांत पे, चार किया है, तीसरा चौथा कर लिया, ठीक है चलो कोई नहीं माशाल्लाह। ये बकरा दिखाया बनने, ये दिखाया ना अभी जो दिखाया, दो दांत 26 नंबर जी, 26 नंबर ठीक है। और एक आध बकरा दिखाते हैं, वो वाला वो खड़ा है 27 नंबर दिखाया, 27 नंबर, हाँ 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 ठीक है। वो गुलाबी बच्चा पकड़ गुजरी, माशाल्लाह, ये दिखा दिए, दिखा दिए ये वाला, ये गुलाबी 14 नंबर दिखाए ना बनने, वो मुंडा बाकी है, 29 बाकी है, चलो जो भी आ रहा है हाथ में वो दिखा देते। ये बकरा देखो आप, गुजरी के अंदर, ये देखो उसके मुंह से निकाल दो, दांत बता दो इसके कितने, चार है ठीक है। मैं पर्सनली समीर भाई कैसा है ना, बकरे ब्रीड से नहीं, मतलब जो उनका एक खूबसूरतपन रहता है, जैसा सोजत में भी एक पैच आना चाहिए, सारे बकरों में आपको कहीं ना कहीं पैच टाइप या अलग प्रिंट शाम है बकरों के। हाँ, वो पूरा सिलेक्टेड स्टॉक ही हम लाते हैं समीर, अल्हम्दुलिल्लाह। और बकरों के अंदर एक अलग खूबसूरती दिखकर आती है माशाल्लाह। ये बच्चा देखिए, ये 43 नंबर का, 43 नंबर देखिए, देखो पूरा तर गुलाबी बच्चा, तर गुलाबी बच्चा है, ये देख लो 43 नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी लगभग दो दांत का होगा, ये दो दांत है ना, तर गुलाबी बच्चा है। उसके बाजू में वो वाइट वाला जो जा रहा है, वो बहुत सारे बकरे ऐसे हैं इसके अंदर के जो माशाल्लाह। और मैं तो बोलूंगा ये बकरे साल पलटी के लायक की भी है जी भाई, इसमें तकरीबन बच्चे उस कैटेगरी के भी, अब जिसको जैसे समझ में है, मतलब अगर कोई आएगा तो हम उसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये बच्चा है जैसे 27 नंबर है, पीछे एक और बच्चा गया वो सामने खड़ा है, ये सारे बच्चे हम पलटी के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं ये बच्चे अच्छे ही बनेंगे इंशाल्लाह। सही है माशाल्लाह। 48 नंबर का बच्चा आपने शायद नहीं देखे, ये 48 पकड़ दो, 48 ये वाला, ये अरे वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब हैवी में बोला जाएगा वो जी, 70 केजी है ना, वो भी जाएगा के तक इंशाल्लाह होगा बच्चा वो। और बकरों के हेयर कटिंग, खुर कटिंग, सारी कोर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, कोर्स जो बोलते ना इसके वैक्सीन वगैरह के सारे कोर्स कंप्लीट है, ठीक है। बकरों की तैयारी आप देख लो, बकरों की एक्टिवनेस आप देख लो माशाल्लाह, ठीक है। ये देखो दांत दिखा दो भाई, लो क्या लोगे आप, ये बच्चा तो अगले साल के लिए बेहतरीन है भाई, दो दांत पे इतना बड़ा बकरा माशाल्लाह माशाल्लाह। अगले साल के लिए सब बच्चे अच्छे हैं, सब बच्चे पलटी के लायक है माशाल्लाह। एक गुजरी दिखाता हूँ मैं समीर भाई, गुलाबी गुजरी, ये वाला ये जो जा रहा है ना, हाँ ब्राउन वाला, ये पकड़ दो भाई, छोटी हाइट में है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, फुटबॉल है वो, फुटबॉल, आओ लाओ। 102 नंबर का बकरा है, 60-65 किलो वेट होगा इसका समीर भाई, और दो दांत पे ही रहेगा, दांत भी दिखा दो, चार किया है इसने, तीसरा चौथा करा है, ठीक है। हथियार वगैरह भी बहुत अच्छे, एक बच्चा ये पकड़ लो, 50 नंबर है, लाओ 51 नंबर, 51 नंबर। ऐसे और कितने बकरे हैं अपने पास, दो ज़्यादातर कैटेगरी दो दांत पे ही आएगी, मैक्सिमम दो दांत पे रहेगी ना, ये देखो माशाल्लाह।
51 नंबर, ये 51 नंबर का पूरा तर गुलाबी बच्चा है। माशाल्लाह, थोड़ा आगे लो। ये नंबर जो है, नंबर कैसे लिखे है ये पोटेशियम से लिखा हुआ है समीर भाई। मिटने का कोई टेंशन नहीं, मिटने का कोई टेंशन नहीं है। और अगर किसी को ऐसा है कि भाई ईद के टाइम पे नहीं चाहिए नंबर, तो उसके लिए हम लोग फिर 10-15 दिन पहले उसको बेल्ट पहना के रख देंगे, तो वो नंबर की जरूरत नहीं। दो दांत पे, ये जरा दांत दिखाना, दो दांत, परफेक्ट, दो दांत, ठीक है, चलेगा। तो मैक्सिमम तो बकरे अपन ने दिखाए इब्राहिम भाई, है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को आइडिया भी लग गई होगी। और बाकी सारे बकरों के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, ये मुंडा देखिए, फार्म पे विजिट करना पड़ेगा। वाइट ये जो जा रहा है ना, ये माशाल्लाह, इसका नंबर क्या है? 80 नंबर, ठीक है, चलेगा। तो इब्राहिम भाई, विजिटिंग मतलब कैसा, आपके अलावा आप जैसे यहाँ पे अवेलेबल हो, एवरीडे होते हो? नहीं, मैं समीर भाई सैटरडे संडे और वीक में वेनसडे या थर्सडे के दिन अभी फिलहाल आ रहा हूँ। ओके ओके, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे आगे और कुछ चेंजेस। तो अभी सीजन के टाइम पे भी आपका वही शेड्यूल रहेगा? अभी फिलहाल तो ये चल रहा है, आगे का समीर भाई फिक्स नहीं है। ओके, इस हिसाब से बनता है, बट कस्टमर्स कैन कम, मैं या जयंत भाई जो भी रहा या यहाँ पे स्टाफ है वो मुझे नंबर वाइज कॉल करके अपडेट दे देता है। जैसे इसमें क्लियरली नंबर लिखे हुए बराबर, इस वीडियो में से अगर कोई भी बकरा किसी को पसंद है वो आके यहाँ पे नंबर वाइज बकरा ले सकता है। ठीक है, रेट वगैरह क्या कोट कर रहे हैं भाई? समीर भाई, ये बकरों का रेट है ना अपना 650 रुपीज पर केजी से है। 650 रुपीज पर केजी, नेगोशिएट करेंगे इसमें? नहीं समीर भाई, इसमें नेगोशिएबल नहीं है। हमारे पास एक रेंज है समीर भाई जो 575 से भी है सोजर, इंशाल्लाह आगे हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपने रेट दिया है 650 रुपीज का, इसमें बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करेंगे, थोड़ा भी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि समीर भाई सब बच्चे मैं खुद खरीद के लाया हूँ ना, ये हाई कॉस्ट पे। और दूसरी बात, ये बम्बई में आपने पलवाए, बॉम्बे में पाले जंगल में, मतलब गुजरात में या राजस्थान में पले में बकरे नहीं है जहाँ पे पलाई कम लगती है, यहाँ पे पलाई कम लग रही है। यहाँ पे पलाई लगभग मैं बोलता हूँ अगर किसी से 2500 रुपए ली जा रही होगी तो आपसे 2200 रुपए लेंगे। नहीं समीर, मतलब एक हिसाब बता रहा हूँ, क्योंकि आपके बल्क में बकरे हैं, उससे ज्यादा कम नहीं होगा यहाँ। बॉम्बे में समीर भाई कोई मतलब 2500 रुपए के नीचे, 2500 रुपए तो अभी मैं तो बोलता हूँ है ही नहीं कोई भी, लगभग सब 3000 पार कर चुके हैं खसी बकरों के। मैं तो एक मिसाल के तौर पे बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का 2500 है तो आपको 2200-2300 रुपए देना है, अगर आपके बकरे बल्क में है तो, नहीं तो आपको 2500 ही देना है। इसमें कैसा है ना, अगर कोई आदमी ये बकरा आज बुक करके ले जाना चाहता है वो ऑप्शन है हमारे पास। अगर कोई बकरा बुक करके यहीं पे रखना चाहता है तो पर डे का 100 रुपीज है, और हमको पता है हमारे बकरे वेट गेन करेंगे, तो जैसे अगर किसी को चाहिए कि भाई नहीं हम जो वेट गेन करेंगे उसी का पैसा देंगे, तो वेट ऑन डिलीवरी सिस्टम भी हमारे पास बहुत अच्छा है जी। वेट ऑन डिलीवरी अगर 650 के हिसाब से वेट ऑन डिलीवरी में अगर कोई लेगा तो बेटर है, क्योंकि कैसा है ना समीर भाई, पलाई का झंझट भी नहीं रहेगा, और अपने बकरे अपने को पता है किस बैकग्राउंड से आए हैं, राजस्थान के, तो इंशाल्लाह वेट गेन में कोई इशू नहीं आएगा। सही है, गुजरात वगैरह का माल में जल्दी कोई इशू आते हैं, बट इसमें कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो इसी के साथ ये वीडियो को क्लोज करते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर मैं इब्राहिम भाई का दे दूंगा, आप लोग यहाँ आओ, देखो बकरों को, पसंद करो, वेट करो, जो भी करना है वो करो जी, उसके बाद सौदा करो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।